नमस्कार, मैं निशान सौरभ आप सभी को सौरभ क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे यूट्यूब चैनल सौरभ क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। मैंने टॉपिक स्टार्ट किया था कोडिंग डिकोडिंग, ये रीजनिंग का टॉपिक है और इसमें मैंने ये भी बताया था कि कोडिंग डिकोडिंग में हमें कितने टाइप्स को कवर करने हैं। इसके बाद मैंने कॉमन कोडिंग से स्टार्ट किया था और यह भी बताया था कि कॉमन कोडिंग को किस तरह से सोल्व किया जाता है। इसके बाद इसके साथ साथ कॉमन कोडिंग में मैंने प्रीवियस एग्जामिनेशन में जो पूछे गए क्वेश्चन थे उसे भी मैंने सोल्व करवाया था और इसमें भी है जो क्वेश्चन मैंने लिया वो प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन पूछा गया था IBPS RRBs ऑफिसर स्किल 1 में 2014 में पूछा गया था ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे हमें इन सभी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हमें देखना होगा कि कौन सा वर्ड कॉमन है और कौन सा वर्ड का यहाँ पे कोड क्या होगा। यहाँ पे देखें तो फर्स्ट और सेकंड लाइन में रूरल एंड अर्बन डिवाइड ये है और सेकंड लाइन में है गैप इन रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर हम देखें तो फर्स्ट और सेकेंड लाइन में रूरल वर्ड कॉमन मिला है और रूरल फर्स्ट और थर्ड को चेक करें तो अर्बन प्लानिंग मोर इम्पोर्टेंट, यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में अर्बन वर्ड कॉमन मिला है और अर्बन कहीं नहीं है। और अगर फर्स्ट और फोर्थ को चेक करें तो एंड डिवाइड मोर डिवाइड देन गैप, यहाँ पे डिवाइड है वो क्या है कॉमन मिला है, तो यहाँ पे डिवाइड को मैंने स्टार से डिनोट कर दिया इस तरह से। अब हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट और सेकेंड लाइन में देखें तो हमें वैसा कोड देखना है जो केवल फर्स्ट और सेकंड लाइन में प्रेजेंट हो, तभी हमें यह पता चलेगा कि रूरल का कोड वही कोड होगा। अगर फर्स्ट और सेकंड लाइन में चेक करें तो LA है जो प्रेजेंट है और LA कहीं नहीं है। यहां से हमें क्या पता चला कि जो रूरल का कोड होगा वो LA होगा, तो रूरल को मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया था इसीलिए यहाँ पे LA को भी मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट है यहाँ पे जो अर्बन है वो फर्स्ट और थर्ड लाइन में है और अर्बन को मैंने सर्कल से डिनोट किया। यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड को देखें तो एन ए है वो कॉमन है और एन ए कहीं प्रेजेंट नहीं है। यहां से क्या पता चला कि जो अर्बन का कोड होगा वो क्या होगा एन ए होगा। इसके बाद अगर हम देखें तो फर्स्ट और फोर्थ लाइन में डिवाइड कॉमन है और डिवाइड को मैंने स्टार से डिनोट किया। अगर हम फर्स्ट और फोर्थ लाइन में देखें तो फर्स्ट और फोर्थ लाइन में जेड यू है वो कॉमन है और जेड यू कहीं नहीं है। तो यहां से क्या पता चला कि जो डिवाइड का कोड होगा वो क्या होगा जेड यू होगा, जेड यू को मैंने स्टार से डिनोट कर दिया। अब हम सेकेंड और थर्ड लाइन को चेक करते हैं तो गैप इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग मोर इंपॉर्टेंट, इसमें कॉमन नहीं है। इस सेकेंड और फोर्थ को चेक करें यहां पे तो सेकेंड और फोर्थ में यहां पे क्या है कॉमन गैप है, यहां पे गैप है, गैप को मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब हम यहां पे देखें तो सेकेंड और फोर्थ लाइन में कौन सा कोड है जो कॉमन होगा, तो यहां पे हम देखें तो यहां पे PI है, जो PI है वो क्या है कॉमन है सेकेंड और फोर्थ में, तो यहां पे इसे भी मैंने अंडरलाइन कर दिया। अब हम थर्ड और फोर्थ को चेक करें तो प्लानिंग मोर इंपॉर्टेंट, यहां से क्या पता चला मोर को मैंने डॉट से दे दिया और यहां पे जो भी कॉमन होगा थर्ड और फोर्थ में उस कोड को मैंने डॉट से डिनोट करूंगा। यहां पे देखें तो CU है, CU थर्ड और फोर्थ में क्या है कॉमन है। अब यहां से हमें यह पता चल गया कि कौन से वर्ड का कॉमन क्या होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग में पॉसिबल बी द कोड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर गैप डिवाइड रूरल एंड अर्बन प्लानिंग। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि इसका कोड कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे सेकेंड लाइन में इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ड प्रेजेंट है और सेकेंड लाइन में इन वर्ड भी प्रेजेंट है। यहाँ पे इनको कोड नहीं किया गया है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कोड नहीं किया गया है ना, क्योंकि इन और इंफ्रास्ट्रक्चर किसी और लाइन में प्रेजेंट नहीं है। तब यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कोड होगा वो क्या होगा, या तो KT होगा या फिर VM होगा। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कोड होगा वो या तो KT होगा या फिर VM होगा, दोनों में से कोई एक भी प्रेजेंट होना चाहिए ऑप्शन में।
इसके बाद क्या है यहाँ पे गैप है, और गैप को किन चीजों से डिनोट किया गया है, पीआई से। अब हमें देखते हैं कि पीआई कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है, पीआई। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो प्रेजेंट है पीआई यहाँ पे, इसके बाद यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में भी प्रेजेंट है तो इसे रहने देते हैं, थर्ड ऑप्शन में भी प्रेजेंट है, फोर्थ ऑप्शन में पीआई प्रेजेंट नहीं है, ऑप्शन नंबर डी को मैंने छाड़ दिया। ई नंबर है कैन नॉट बी डिटरमाइंड सी एंड डी, इससे अभी कोई मतलब नहीं है। इसके बाद यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे डिवाइड है, यहाँ पे डिवाइड को मैंने स्टार से डिनोट किया था, स्टार का स्टार को कौन से कोड को डिनोट किया मैंने, जेडयू को। तो यहाँ पे देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में जेडयू है, तो ऑप्शन नंबर ए में भी है जेडयू, जेडयू बी में भी है, और जेडयू सी में नहीं है, मतलब सी को छाट दिए। जो कोड यहाँ पे पर, जो वर्ड का कोड, जो भी वर्ड है उसका कोड अगर किसी ऑप्शन में प्रेजेंट नहीं है तो उससे हम छाटना स्टार्ट करते हैं ऑप्शन को, मतलब इलिमिनेट करते हैं। इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो रूरल, रूरल को मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया है, तो ट्रायंगल से मैंने एलए को भी रिप्रेजेंट किया, तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में एलए है, ए में भी है और एलए बी में भी है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका क्या हो गया, डिवाइड का हो गया जेड यू, इसका हो गया एल यू, इसके बाद एंड की बात करते हैं तो एंड फर्स्ट में प्रेजेंट है और फर्स्ट में के यू भी प्रेजेंट है, मतलब कि कहने का मतलब है कि एंड को कोड नहीं, एंड वर्ड है जो और किसी लाइन में नहीं है, तो जो यहाँ पे के यू है वो और किसी लाइन में प्रेजेंट नहीं है, मतलब यहां से क्या पता चला, एंड का कोड क्या होगा, के यू होगा, के यू। अब देखते हैं यहाँ पे के यू है किसी में, ऑप्शन नंबर ए में के यू भी प्रेजेंट है ना, बी में भी, बी में भी के यू प्रेजेंट है। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें यहाँ पे अर्बन, अर्बन को सर्कल से मैंने डिनोट किया, सर्कल से एनए को डिनोट किया है ना, तो यहाँ से अर्बन का कोड एनए हो गया। और प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग वर्ड यहाँ पे प्रेजेंट है और यहाँ पे इम्पोर्टेंट वर्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे प्लानिंग प्रेजेंट और यहाँ पे इम्पोर्टेंट, यहाँ पे इम्पोर्टेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे दोनों को कोड नहीं किया गया है क्योंकि ये जो दोनों वर्ड है और किसी लाइन में प्रेजेंट नहीं है, है ना। तो यहां से जो प्लानिंग का कोड होगा, जो प्लानिंग का कोड होगा वो या तो क्या होगा, यहां से टी आई होगा, टी आई होगा या फिर बी यू होगा, दोनों में से कोई एक होना चाहिए ऑप्शन में। अब हम ऑप्शन में देखते हैं तो ऑप्शन में अगर हम देखें बी यू, तो बी यू का तो यहां पे बात नहीं किया गया है ना, बी यू किसके लिए आ रहा है यहां पे, बी यू की, अच्छा सॉरी, बी यू प्लानिंग के लिए, तो यहां पे बी यू प्लानिंग के लिए आ गया। इसके बाद के यू की बात करते हैं तो के यू जो कोड है वो किसके लिए आ गया, एंड के लिए आ गया। एनए की बात करते हैं तो एनए किसके लिए आया है यहाँ पे, अर्बन के लिए आया है। और जेड यू, जेड यू किसके लिए आया है, डिवाइड के लिए आया है। और पी आई की बात करते हैं तो पी आई किसके लिए आया है, तो गैप के लिए आया है, पी आई गैप के लिए आया है। और एल ए, एल ए किसके लिए है यहाँ पे, अगर हम देखें तो एल ए आ गया अर्बन के लिए। और सी यू की बात करते हैं तो सी यू किसके लिए है, मोर के लिए। अब यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो मोर का यहाँ पे दिया गया है, मोर का सी यू लिया गया है, मतलब कि यहाँ पे जो ये जो दिया गया है कोडिंग के लिए, तो यहाँ पे मोर का, तो मोर का यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया इसमें, है ना, मतलब कि जब मोर का इसमें प्रेजेंट नहीं है मोर वर्ड, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, तो यहां से हम कह सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी को भी अगर हम चेक करें, भीम, भीम तो यहाँ पे दिया गया है, तो भीम किसके लिए, या तो इनके लिए होगा या तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए होगा, है ना, तो दोनों में से कोई एक है, ये इसका काम हो गया। यल्ले की बात करते हैं तो यल्ले किसके लिए आ गया यहाँ पे, यल्ले आ गया रूरल के लिए, ये भी ठीक है। और जेड यू किसके लिए आया है, जेड यू आ गया एंड के लिए। और पी आई आ गया यहाँ पे गैप के लिए। और एनए की बात करते हैं तो एनए किसके लिए आया यहाँ पे, एनए आया यहाँ पे अर्बन के लिए। इसके बाद सी यू की बात करते हैं तो सी यू किसके लिए आ गया, मोर के लिए, मतलब कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें आंसर, अच्छा ऑप्शन नंबर डी देखें तो ऑप्शन नंबर डी भी यहाँ पे नहीं होगा, ऑप्शन नंबर
ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे केटी और बीएम दोनों प्रेजेंट है, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी की बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे केटी भी प्रेजेंट है और बीएम भी प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड, कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द कोड फॉर देन, यहाँ पे देन का कोड क्या होगा, तो यहाँ पे देन देन है, देन वर्ड यहाँ पे बचा हुआ है, यहाँ पे कौन सा कोड बचा हुआ है, डीएम, मतलब कि जो देन का कोड होगा वो क्या होगा, देन होगा। नेक्स्ट पूछ रहा है व्हाट इज द कोड फॉर एंड, एंड का कोड क्या होगा, तो एंड फर्स्ट लाइन में प्रेजेंट है और तो यहाँ पे क्या बचा हुआ है, के यू, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पे व्हाट इज द कोड फॉर रूरल डिवाइड, रूरल डिवाइड का कोड क्या होगा, रूरल को मैंने ट्रायंगल से रिप्रेजेंट किया है, ट्रायंगल का हो जाएगा एल ए, कौन सा ऑप्शन में है, एल ए, ऑप्शन नंबर ए में भी है, बी में भी है, डी में भी है और किसी में नहीं है। इसके बाद है डिवाइड, तो डिवाइड को स्टार से डिनोट किया, स्टार से जेड यू, तो कौन से ऑप्शन में जेड यू है, जेड यू ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इसी का एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, अगर उस क्वेश्चन को देखें क्या कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये कर रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ये कर रहा है कि व्हाट इज द कोड फॉर गैप, यहां पे गैप का कोड पूछ रहा है, यहां पे गैप का कोड पूछ रहा है, तो यहां पे गैप को किन चीजों से डिनोट किए हैं, गैप को अंडरलाइन से, तो अंडरलाइन किसका है यहां पे, पी आई, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर, पी आई हो जाएगा, जी टू ऑप्शन नंबर डी है, पी आई, ऑप्शन नंबर ई है यहां पे, पी आई और सी यू। यहां पे हम देखें तो गैप को किससे डिनोट किया गया है, अंडरलाइन से, तो कौन सा कोड है जिसे अंडरलाइन से डिनोट किया गया है, तो पी आई, कौन से ऑप्शन में पी आई, तो ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी क्वेश्चन करवाए गए वो क्वेश्चन आई